हेलो फ्रेंड्स, बन्ना की रसोई में आप सबको स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरे धनिए की ग्रीन चटनी। ये बहुत ही अच्छी लगती है, आप इसको बना के 2-4 महीने स्टोर भी कर सकते हैं। आइए देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। ये हरे धनिए की चटनी, ये देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये, बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए हमने हरा धनिया इसको इस तरह से तोड़ के अच्छे से धुल लिया है, धुल के इसको हमने साफ कर लिया है। अब हम इसमें अपने मिक्सर जार में ये धनिया जो है, सारी धनिया की पत्तियां इसमें सारा डाल देंगे। और ये हमने इसमें थोड़ी सी मूंगफली ली है रोस्ट की हुई, और ये 2 हरी मिर्ची है, और ये थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने नमक डाल लीजिए, और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जीरा से क्या है, चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और ये हम एक नींबू इसमें निचोड़ देंगे, एक नींबू। ये 4-6 जो हमने लहसुन की कलियां लिया है, और ये थोड़ा सा शक्कर है 1/2 टीस्पून, ये एक नींबू का रस हमने इसको निचोड़ के ले लिया है, बीच इसमें नीचे बस। अब हम इसको अपना सब मिक्स करके पीस लेंगे बहुत ही अच्छी। ये देखिए हम थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देंगे, एकदम थोड़ा सा ही डालेंगे, नहीं तो चटनी हमारी बहुत पतली हो जाएगी। बाद में फिर से हमको कम लगेगा तो फिर से थोड़ा पानी डाल देंगे। ये देखिए हमारी हरी धनिया की ग्रीन चटनी बनके तैयार है। आप इसे पकौड़ी, कचौड़ी, सैंडविच किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप भी एक बार इस तरह से बनाएंगे हरे धनिया की चटनी तो सच में यकीन मानिए आपकी पकौड़ी से ज्यादा सब चटनी खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप इसको इस तरह से बना के 2-4 महीने स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसको मतलब चटनी बनाइए और उसके बाद जो है इसको उसमें फ्रीजर में रख दीजिए। आप इसको ये चटनी बना के उसके बाद इसमें आइस क्यूब में ये चटनी इसको डालिए इस तरह से, या तो कोई छोटी डिब्बी हो अलग अलग से उसमें भर के आप इसको फ्रीजर में रख दीजिए, और 2-3 महीने तक चटनी आपकी बिल्कुल वैसी की वैसी, और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा रहेगा जो है। आपको जब खाना हो तब आप निकालिए 1/2 घंटे पहले, और रखिए मतलब निकाल दीजिए, उसके बाद फिर जो है आराम से आप खाइए, बहुत ही अच्छी चटनी बनती है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं, आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली रेसिपी के साथ। प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना। प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।